नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 में पाठ 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है। तो दोस्तों, दैनिक जीवन में कार्य करने के लिए हम ऊर्जा के विविध स्रोतों का उपयोग करते हैं। रेलगाड़ियों को चलाने में हम डीजल का उपयोग करते हैं। सड़कों के लैंपों को दीप्तिमान करने में या बनाने में विद्युत का उपयोग करते हैं। साइकिल से विद्यालय जाने में विद्यार्थियों को ऊर्जा का उपयोग यानी पेशियों की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों, शारीरिक कार्यों को करने के लिए पेशी ऊर्जा, विविध वैद्युत संधित्रों को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा, भोजन पकाने अथवा वाहनों को दौड़ाने के लिए रासायनिक ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं किसी न किसी ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होती हैं। हमें यह जानना आवश्यक है कि ऊर्जा को उनके प्रयोज्य रूप में प्राप्त करने के लिए आवश्यक स्रोत का चयन किस प्रकार किया जाता है। दोस्तों, किसी भी ऊर्जा स्रोत यानी किसी ईंधन का चयन करते समय हमें स्वयं से ये प्रश्न पूछना है। क्या पूछना है? कि यह दहन में कितनी ऊष्मा मुक्त करता है। दूसरा, क्या यह अत्यधिक धुआं उत्पन्न करता है, मीन्स इसके दहन से ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं होगा। क्या यह आसानी से उपलब्ध है? अगर यह आसानी से उपलब्ध है तो अच्छा है। अगर इसके दहन में ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होती है तो अच्छा है। अगर ये धुआं कम उत्पन्न करता है तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। इस तरह से दोस्तों, किसी भी स्रोत का चुनाव किस तरह से किया जाता है, क्या सोच करके हम किसी स्रोत को अच्छा स्रोत कहेंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला है, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करें, मीन्स हम वही ऊर्जा का स्रोत यूज करते हैं जिसके प्रति एकांक द्रव्यमान या प्रति एकांक आयतन से ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो। दूसरा है, सरलता से उपलब्ध हो सके। कोई भी ईंधन या कोई भी स्रोत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर वह आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता तो वो हमारे लिए बेकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसकी उपलब्धता आसानी से हो तभी हम उसका लाभ ले सकते हैं। तीसरा है, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो। कोई भी ऊर्जा स्रोत, उसको ले आने ले जाने में आसानी हो और उसको कहीं पे संचित करके यानी आसानी से हम उसको संचित कर सकें, इस तरह का ऊर्जा स्रोत है, हम उसको ऊर्जा का अच्छा स्रोत कहेंगे। लास्ट है, कदाचित सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह सस्ता भी हो, मीन्स कोई भी ऊर्जा स्रोत अगर सस्ता है तो वह हमारे लिए यूज करना ज़्यादा आसान होता है। कोई भी ऊर्जा स्रोत बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर उसकी कीमत हमारी लिमिट से बाहर है तो हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।